हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 12th क्लास 1st चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जब सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो अपने पास मैटर की मेनली नॉर्मल कंडीशन पे तो अपने पास 3 स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन वैसे इसकी अपने पास 6 स्टेट होती हैं। तो एक तो अपने पास सबसे पहले आएगी सॉलिड स्टेट, दूसरी अपने पास लिक्विड, तीसरी अपने पास गैस, फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ अपने पास आएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और सिक्स अपने पास आएगी फर्मियोनिक कंडेंसेट। अब जो अपने पास सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं, ये मेनली नॉर्मल कंडीशन पे ही एग्जिस्ट करेंगे। ये अपने पास लो टेम्परेचर या फिर बोल सकते हो लो प्रेशर पे, कोई भी गैस लेके करो, कोई भी गैस ली उसको बिल्कुल लो प्रेशर पे, मतलब वैक्यूम तक लेके जाने के बाद उसको आयनाइज करोगे तो उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा। तो अपने को पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले अपने पास सॉलिड होता क्या है, देखो सॉलिड अपने पास, इसके अंदर जो अपने पास कोई भी लैटिज है उसके अंदर जो अपने पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलेंगे वो टाइटली पैक मिलेंगे। टाइटली पैक्ड पार्टिकल, ठीक है। सबसे पहले अब सॉलिड को अगर डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड सॉलिड। उसके बाद अपने को इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अपने पास सॉलिड क्या होता है, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट शेप साइज हो अपने पास, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले तो सॉलिड की अपने पास डेफिनेट क्या होती है, शेप साइज। सेकंड अपने पास देखो सॉलिड्स के अंदर कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट होता है। अब कोहेसिव फोर्स क्यों, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो अपने पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे, पास पास मिलेंगे, उसी को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। सेकेंड थर्ड अपने पास क्या आएगा, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के अंदर लो होती है, तो लो कंप्रेसिबल। उसके बाद डिफ्यूजन भी क्या होता है सॉलिड्स के अंदर, लो लो डिफ्यूजन। और सॉलिड्स के अंदर ओनली वाइब्रेटरी मोशन होता है। और सॉलिड अपने पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सिक्स्थ प्रॉपर्टी में लिख सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हो कोई भी अपने पास सॉलिड हो उसके लिए। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। मेनली अपने पास इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सॉलिड ही पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अपने को मिलेगा अमोर्फस सॉलिड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड अपने पास 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं, एक तो अपने पास मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अपने को मिलेगा अमोर्फस सॉलिड। इन दो को अपने को पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे।
अमोर्फस सॉलिड। तो देखो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसके अंदर अपने को मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट लिखना, मार्कर चेंज कर लेता, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, अमोर्फस में अपने को क्या मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन अपने पास इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट रेंज मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट, या फिर इसको ले सकते हो अपने पास अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट, ये भी ले सकते हो। देखो सबसे पहले मेरे पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले सकते हो, ये अपने पास ए है, या ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले लिया, दूसरा ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, इनके अंदर देखो एक फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट है, इसके फिक्स बात ये एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, शॉर्ट रेंज के लिए तो क्या मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद क्या मिलेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा ऐसे। तो ये जब भी आ जाए डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो उसमें लिख सकते हो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें लिख सकते हो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, या फिर लिख सकते हो इरेगुलर अरेंजमेंट। सेकेंड अपने पास इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट मिले, कोई भी सॉलिड है वो एक या तो 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 130 डिग्री सेल्सियस पे जाके पूरा मेल्ट, कंप्लीटली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अमोर्फस जो मिलेंगे अपने को उसका क्या मिलेगा, हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल तुम कोई भी मेटल ले सकते हो या फिर NaCl, KCl, लेकिन अमोर्फस सॉलिड में अपने पास प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये ग्लास, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, अमोर्फस के। इनके अंदर रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके कम्प्लीटली मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि देखा होगा आपने जो प्लास्टिक होता है सबसे पहले क्या होगा, हीट करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल वो, उसके बाद धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो इसका अपने पास क्या मिलेगा, ये सपोज करो 100 डिग्री से टू 150 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होंगे, तो एक रेंज में मिलेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड ले सकते हो तुम, ये अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और अमोर्फस सॉलिड अपने पास होते हैं सूडो सॉलिड, या फिर इसको बोल सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं होते, बिल्कुल कूल करके, सुपर कूल करके इनको सॉलिड बनाया जाता है, तो एक प्रकार से बोल सकते हो झूठे सॉलिड्स। ठीक है, तो इनके अंदर अपने पास क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड, इन्हीं के बेस पे अपने को क्वेश्चन मिलेगा कि ओल्ड ग्लास विंडो पेंस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग थिकर एट बॉटम, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा तो जो अपने पास विंडो पेंस होते हैं वो थिक नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से उनकी जो लेयर है वो थिन हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होता है, सूडो लिक्विड्स, उसमें लिख सकते हो, या फिर ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड। उसके बाद अपने को फोर्थ पॉइंट मिलेगा, फोर्थ पॉइंट मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अपने को, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं नेचर में, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और अपने पास अमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, उसके बाद देखो इनको डिस्कस करना है अपने को, अभी जस्ट इसके बाद नेक्स्ट इन्हीं को डिस्कस करेंगे, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट मिलेगा अपने को,
क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, और ये अपने पास कैसे मिलेंगे अमोर्फस, नॉट वेरी रिजिड। ओके नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये अपने पास, इनके अंदर क्या होता है, क्लीन क्लीवेज, और अमोर्फस सॉलिड के अंदर होता है अपने पास रफ क्लीवेज। देखो कोई भी सॉलिड है, जैसे मेटल ले, सोडियम मेटल ले ली, उसको तुम कोई भी नाइफ वगैरह से काटोगे तो उसका जो सरफेस मिलेगा बिल्कुल क्लीन सरफेस मिलेगा। अब अपने पास अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं, प्लास्टिक, कोई भी गिलास ले लो, रबड़, तो उनको काटोगे तो अपने पास जो सरफेस आएगा वो कैसा आएगा, रफ सरफेस आएगा। उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है अपने पास, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके अंदर अपने पास अमोर्फस के अंदर नो फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। ओके उसके बाद तुम लिख सकते हो एट्थ पॉइंट, अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर सिमेट्री होती है, दे हैव सिमेट्री। मार्कर चेंज कर ले, लाइट है वो, दे हैव सिमेट्री। उसके बाद एट्थ में अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, इसके अंदर लिख सकते हो नो सिमेट्री आर प्रेजेंट। देखो सिमेट्री अपने पास तीन टाइप्स के होते हैं, सबसे फर्स्ट तो अपने पास होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद सेकंड अपने पास आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और थर्ड जो अपने पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके इसके अंदर अपने पास कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, इसमें अपने पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और जो अमोर्फस सॉलिड है अपने पास, उसको उनके बीच में टाइम और टेम्परेचर और टाइम के बीच में कर्व बनाएंगे, और उस कर्व का बिहेवियर कैसा होगा अपने को ये देखना है। देखो सबसे पहले अपने को बनाना है क्रिस्टलाइन सॉलिड ग्राफ, तो किस किस के बीच में बनाना है अपने को, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना ये, टेम्परेचर और टाइम के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपने पास ग्राफ बनेगा, जो कर्व आएगा वो, ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, लिक्विड फेज। उसके बाद यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, सोलिडिफिकेशन, और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये ग्राफ बनेगा अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और दूसरा इसके अंदर अपने को किसका ग्राफ बनाना है, अमोर्फस। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और टाइम के बीच में, वो बिल्कुल स्मूथ कर्व बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो था अपने पास क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब इसके बाद मैंने बीच में बताया था एनआइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है और आइसोट्रोपिक इन नेचर क्या होता है, अब उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करेंगे आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन, चलो आइसोट्रोपिक को डिफाइन करना है। तो आइसोट्रोपिक में अपने को देखो, इन विच प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी refractive index and thermal expansion are
remain same in all direction is called isotropic. देखो अपने पास आइसोट्रोपिक नेचर किसका होता है, अमोर्फस सॉलिड का. तो इसके अंदर अपने पास कोई भी डायरेक्शन ले, उसके अंदर क्या होंगी जो मैंने लिखा है, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये ऑल डायरेक्शन में क्या रहेंगी, सेम, रिमेन सेम. तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये, क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज तक होता है. तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया, ये अपने पास शॉर्ट रेंज तक तो क्या मिलेगा, रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा. उसके बाद अपने पास क्या मिलेगा, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा. ठीक है, ये किसके लिए है, अमोर्फस के लिए. उसके बाद देखो मैं एन आइसोट्रोपिक को डिफाइन करना चाहूँ, एन आइसोट्रोपिक. तो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, उसी को क्या कहेंगे, एनआइसोट्रोपिक. अब देखो ये तो अमोर्फस के लिए हो गया, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं. अमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, अपने पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, तो ये है अपने पास. अब सपोज करो तुम्हारे को इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये अपने पास ए, ये बी था, ये ए बी ए, ये फिर ये अपने पास क्या आ गया, बी, या फिर मैंने ले लिया ए बी ए बी ए, फिर यहां से ए बी ए बी ए. देखो इस डायरेक्शन में गई, तो इस डायरेक्शन में जाने पे अपने को क्या मिल रहा है, ए, उसके बाद फिर क्या रिपीट हो रहा है, बी, फिर ए, फिर बी. अब सपोज करो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, ये डायरेक्शन, तो अपने को इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, बी बी मिल रहा है. ठीक है, अब अलग अलग डायरेक्शन में अपने को, और इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, फिर से ए ए. तो देखो अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे अपने को क्या मिल रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स मिल रहे हैं ना, तो उसी के बेस पे, तो इसमें तो अपने पास अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज मिल रही है अपने को, और इसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे उधर अपने को हर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी सारी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी. तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू मिलेगी ऑल डायरेक्शन में रिमेन सेम, इनके अंदर क्या मिलेंगी, डिफरेंट. ठीक है, उसके बाद देखो इसी के बेस पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. सपोज करो अपने मैरिज पैलेस में कोई शादी हो रही है, तो एक तो अब वहां सभी अपने पास जो खाने की व्यवस्था कर रखी है उसके अंदर क्या होगा कि लेडीज जेंट्स और चिल्ड्रन सभी एक, मतलब कि कोई अरेंजमेंट नहीं है, सभी एक साथ मिलके खाना खा रहे हैं. तो आप जिधर भी देखोगे मैरिज प्लेस में, आपको उस साइड में लेडीज भी दिखाई देंगी, जेंट्स भी दिखाई देंगे और चिल्ड्रंस भी, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप देखोगे, मतलब कि तीनों चीज दिखाई देंगी, लेडीज भी, जेंट्स भी एंड चिल्ड्रंस. तो हर डायरेक्शन में अपने को सेम चीज दिखाई दे रहे, तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ उनकी वैल्यू सेम है. तो यही बात है कि जिस भी डायरेक्शन में अपने पास ऑल डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू क्या मिलेगी, सेम. लेकिन जो अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था अपने पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या है, अपने पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है. तो अब देखो उसी मैरिज प्लेस का एग्जांपल लेके करो कि अपने पास एक तरफ लेडीज का अरेंज कर रखा है, दूसरी तरफ जेंट्स के लिए, उससे साइड में कर रखा है चिल्ड्रंस के लिए. तो अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे, सपोज करो इस डायरेक्शन में क्या है, लेडीज के लिए अरेंज कर रखा है, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ लेडीज लेडीज दिखाई देंगी, इस डायरेक्शन में कर रखा है जेंट्स का, तो इसमें सिर्फ जेंट्स दिखाई देंगे, और इस डायरेक्शन में कर रखा है किसका, चिल्ड्रंस का. तो अलग अलग डायरेक्शन में अपने को अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. ठीक है ना, उसी के बेस पे डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगी, डिफरेंट वैल्यू होंगी प्रॉपर्टी की. तो ये अपने पास डिफाइन कर सकते हो आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक. ठीक है, उसके बाद देखो मैंने एक इसी के अंदर एक एग्जाम्पल लिया था कि इसमें बताया था मैंने एग्जाम्पल नहीं सॉरी मैंने ये बताया था कि जो अपने पास अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज के लिए होता है. तो उसी के बेस पे एक डिफाइन कर सकते हो तुम टर्म क्रिस्टलाइट. तो उसके लिए
डिफाइन करना है अपने को क्रिस्टलाइट। देखो अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा अपने को फोर सॉल्ट रेंज, ठीक है। अब इसी के बेस पे देखो यही था अपने पास सॉल्ट रेंज में, तो क्या मिलेगा रेगुलर अरेंजमेंट, उसके बाद क्या मिलेगा अपने को इरेगुलर अरेंजमेंट ऐसे, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हो तुम क्रिस्टलाइट, क्रिस्टलाइट, ठीक है। इसी के बेस पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हो क्रिस्टलाइट। देखो यही डिफाइन करना है अपने को, इसमें लिखते हो डिफाइन कर सकते हो स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ अमोर्फस सॉलिड आर लाइक क्रिस्टलाइन, आर लाइक क्रिस्टलाइन एंड अदर आर नॉन क्रिस्टलाइन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट। देखो इंपॉर्टेंट टर्म है ये क्रिस्टलाइट, इसी के लिए यूज हुआ है अपने पास कि सॉल्ट रेंज के अंदर तो क्या होता है रेगुलर अरेंजमेंट और फिर क्या होता है अपने पास इरेगुलर अरेंजमेंट, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइट, ओके। तो ये टर्म ध्यान रखना, स्मॉल पार्ट्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड, कुछ पार्ट तो अमोर्फस सॉलिड का होगा वो आर लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा होगा उसके बाद, एंड अदर आर नॉन क्रिस्टलाइन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइट, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद देखो अमोर्फस सॉलिड डिस्कस कर लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर लिए और क्रिस्टलाइट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं अपने पास, जैसे तुम्हारे कोई एग्जांपल दे दे अब कि इनमें से बताओ कौन सा अमोर्फस सॉलिड है और कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो देखो अपने पास मैं जो सॉलिड है अमोर्फस सॉलिड में लिख सकते हो तुम अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल ले सकते हो प्लास्टिक रबड़ या फिर जहां भी पॉली शब्द यूज हो जाए उसको किसमें काउंट कर सकते हो तुम अमोर्फस सॉलिड, जैसे कि ले सकते हो पॉलीथीन या फिर इसमें गिलास एक्सेट्रा, ये एग्जांपल किसके हैं अमोर्फस सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर तुम ले सकते हो NaCl KCl CF2, जो भी अपने पास सॉलिड है वो सारे क्या बन जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। उसके बाद है कुछ एग्जांपल है, जैसे चोक देखा होगा आपने, चोक किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल स्टोन भी बनता है और चोक भी, तो देखो वो किस तरीके से बनता है उनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से ही, एक से तो अपने पास CaCl3 जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक से बनेगा अपने पास चाक और दूसरे से मार्बल स्टोन, तो वो अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ही मिलेंगे अपने को। अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा या फिर इरेगुलर अरेंजमेंट होगा उन्हीं के बेस पे अपने पास अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ अमोर्फस मैं लिख के बता रहा हूं आपको, जैसे अपने पास CaCO3 है CH कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का तो अपने पास क्या बनेगा चाक, अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो अपने पास बनेगा मार्बल मार्बल स्टोन। ऐसे ही तुम दूसरा एग्जांपल ले सकते हो SiO2 का सिलिका, इसको क्या बोलते हैं सिलिका,
तो इसके अंदर भी क्या होगा अपने पास, अगर इरेगुलर अरेंजमेंट है तो अपने पास बनेगा सिलिका गिलास, या फिर इसको बोल सकते हो क्वार्ट्ज गिलास। ओके, अगर इसके अंदर अपने पास क्या है रेगुलर अरेंजमेंट, तो इससे बनेगा अपने को, यहां से मिल जाएगा अपने को क्वार्ट्ज। अब देखो क्वार्ट्ज क्या होता है, सॉलिड, और सिलिका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा क्वार्ट्ज, और अपने पास जो क्वार्ट्ज ग्लास और सिलिका ग्लास होता है ये अमोर्फस सॉलिड, लेकिन बने किससे हैं, दोनों सिलिका से। अगर इन पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट है तो सिलिका ग्लास बनेगा, अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो क्वार्ट्ज। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बेस पे। तो सबसे पहले देखो इन्हीं के बेस पे मैं एक दो क्वेश्चन बताना चाहूंगा आपको। क्वेश्चन है जो ग्लास विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग थिकर एट बॉटम, वाई, मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या होता है जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके अंदर जो अपने पास ग्लास विंडो पेन्स होते हैं वो बॉटम से क्या हो जाते हैं, जैसे ये अपने पास कोई भी ग्लास विंडो है तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये बॉटम सरफेस है इसका ये तो क्या हो जाएगा थिक, ठीक है, और ये जो अपने पास टॉप पार्ट है, ये जो टॉप पार्ट है ये क्या हो जाएगा समय बीतने से धीरे धीरे, जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं तो ये टॉप पार्ट थिन हो जाएगा और बॉटम पार्ट थिक, तो ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है ड्यू टू, लिख सकते हो इसका रीजन तुम ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड, देखो अमोर्फस सॉलिड मैंने बता दिया कि क्या होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, या इनको बोल सकते हैं सुडो सॉलिड्स। तो अब जो अमोर्फस सॉलिड्स इसके अंदर क्या होगा, जब ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड है मतलब सुपर कूल करके बनाए गए हैं, तो इसके अंदर तुम लिख सकते हो ये रीजन, ये रीजन भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा रीजन लिख सकते हो ड्यू टू फ्लूडिटी, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई भी पूछे ग्लास विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग थिकर एट बॉटम, मतलब विंडो ग्लास पुराने होने पे अपने पास बॉटम से थिकर हो जाते हैं और टॉप पे थिन, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड या ड्यू टू फ्लूडिटी, क्यों, किसकी वजह से होते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड की वजह से, ठीक है, क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि जो अपने पास गिलास होते हैं उनके अंदर मिल्कीनेस आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन पूछे कि जैसे जैसे समय बीतता है तो अपने पास गिलास के अंदर आ जाती है मिल्कीनेस, तो पूछे मिल्कीनेस ऑफ गिलास, ओल्ड बिल्डिंग के जो गिलास होते हैं उनके अंदर क्या होता है मिल्कीनेस, दूधिया हो जाते हैं, क्यों, तो इसमें रीजन ये मत लिखना ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड, देखो इससे थोड़ा बेटर रहेगा ड्यू टू एनिलिंग, देखो अब एनिलिंग क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। एनिलिंग होता है अपने पास हीटिंग एट डे एंड कूलिंग एट नाइट, दिन के टाइम में तो क्या होगा जो भी अपने पास देखो मिल्कीनेस ऑफ ग्लास, ग्लास क्या है अमोर्फस सॉलिड है, तो दिन में जब हीटिंग ऑफ डे, दिन में जब हीट होगा तो फैलेगा, जैसे ही नाइट के टाइम में कूल होगा तो क्या होगा फिर से सिकुड़ेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो दिन में क्या हो रहे हैं फैल रहे हैं और रात के टाइम क्या हो जाएंगे पास पास, तो उनके बीच में जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट क्या हो जाता है, अरेंजमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
ग्लास के अंदर क्या हो जाता है, मिल्कीनेस ऑफ ग्लास, यही रीजन है। तो इसमें ये रीजन लिखना ड्यू टू एनिलिंग, ठीक है। तो ये तो अपने क्वेश्चन थे। अब इन्हीं के बेस पे अगर आपसे कोई पूछ ले सॉलिड्स आर सॉलिड, देखो मैं अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे सॉलिड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे सॉलिड आर सॉलिड्स आर सॉलिड्स, सॉलिड सॉलिड क्यों होते हैं, तो उसमें रीजन लिख सकते हो तुम ड्यू टू, देखो फर्स्ट रीजन लिख सकते हो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड तुम रीजन लिख सकते हो इसी के अंदर थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो ये दो रीजंस, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो भी अपने पास पार्टिकल्स मिलेंगे उनके बीच में क्या मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यही रीजन होता है कोई भी पूछे सॉलिड्स आर सॉलिड, ठीक है, तो उसका तुम ये रीजन बता सकते हो।